पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली समेत लंबित मांगों के समर्थन में दूसरे दिन भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन उनका अधिकार है, जिसे वो हर हाल में लेकर रहेंगे। सिंचाई विभाग के शिव कुमार, लखत सिंह, जीशान, स्वास्थ्य विभाग के नत्थू सिंह, मनीष कुमार, विजय बहादुर, मत्स्य विभाग के अनुराग सक्सेना, राजेश, आबकारी विभाग के राजकुमार, रघुनंदन सिंह, पवन कुमार ने भी सरकार के वादा खिलाफी पर आक्रोश जताया। धरना प्रदर्शन में आशीष भारद्वाज, नरेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, पवन चौहान के साथ और भी लोग मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि सरकार के द्वारा सभी राज्य कर्मचारियों की मांगे जल्द मानी जाए, नहीं तो आज दो दिन की हड़ताल रही है। इसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर हड़ताल को खत्म किया गया। शिव कुमार, मंडल मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज की जो राष्ट्रीय हड़ताल है, ये कल भी हुई थी और आज हमारा दूसरा दिन जो है राष्ट्रीय हड़ताल का है, अंबेडकर पार्क सिविल लाइन्स मुरादाबाद में। इसमें हमारी मुख्य मांगे जो हैं, जो प्रथम नंबर की मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो और 26,000 न्यूनतम वेतन जो 7वें वेतन आयोग में लगना था वो अभी तक नहीं लगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण हमारी मांग है, आउटसोर्सिंग और संविदा को बंद करके जो साथी आउटसोर्सिंग और संविदा पे कार्य कर रहे हैं, जैसे स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा बहू हैं, रसोईया हैं, महिला समाख्या है, इन सबको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, 18,000 इनका न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। और 25 अक्टूबर में अभी एक शासनादेश हुआ था कि जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य कर्मचारियों को, सेंट्रल के कर्मचारियों को मिला करती थी, उसको भी जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो उसको भी जो है बहाल किया जाए और श्रम कानूनों में जो संशोधन किया जा रहा है उनको जो है वापस लिया जाए, हमारे श्रम कानूनों में संशोधित ना किया जाए। ये दो दिवस की राष्ट्रीय हड़ताल हुई है, इसमें केंद्र के, राज्य के, सरकारी, गैर सरकारी, इसमें आबकारी विभाग, मत्स्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, बाल पुष्टाहार विभाग, आंगनबाड़ी और आपके सहकारिता थे और बैंक कर्मी थे, सभी लोग जो है संयुक्त रूप से इसमें आज इसमें शामिल हुए थे। और इसमें अभी सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं आया हुआ है, अभी हमारी दो दिन की हड़ताल है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना बना रहे हैं, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और बीजेपी सरकार जो है इसकी हमेशा कर्मचारी विरोधी नीतियाँ रही हैं, मजदूर विरोधी नीतियाँ रही हैं, और अगर इसका यही रवैया रहा तो 2019 में राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और सभी मजदूर संगठन मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। एक शेर के माध्यम से जो है कहना चाहूँगा कि है राजभक्ति की सौगंध तुम्हें, इतना तुम प्रबंध करो, या तो पुरानी पेंशन बहाल करो या अपनी भी बंद करो।